वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक फुल टाइम पार्ट टाइम आप ये जो जॉब है ये कर सकते हो। एक तो सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये लगी मुझे कि ये तो वर्क फ्रॉम होम में है, ये काम करने के लिए आप लोगों को कंपनी की तरफ से यहाँ पर लैपटॉप मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, रीएम्बर्समेंट मिलेगा और जो आप लोगों का सैलरी यहाँ पर रहने वाला है वो फिक्स सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और जो वर्क स्केड्यूल आप करोगे ना वो आपके हिसाब से यहाँ पर ये कर सकते हो। मतलब 9 to 5 के स्लॉट में आप यहाँ पर 4 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो या दिन भर काम करो, आपके हिसाब से आप जितना काम यहाँ पर करते हो उतके आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी और ये जो अर्निंग होती है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपका ये कोई टारगेट बेस्ड यहाँ पर ये जॉब नहीं है और ये काम करने के लिए आप लोगों के पास में स्पेसिफिकली चाहिए आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर चाहिए। हाँ, ये कोई कस्टमर सपोर्ट वाला जॉब रोल नहीं है लेकिन हाँ ऑपरेशन से रिलेटेड जरूर है। तो यहाँ पर 2 तरह के जॉब्स मुझे यहाँ पर मिले और अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा है, किस तरह से अप्लाई करोगे तो आप लोगों को रिवर्ट बैक आएगा और ये जो यहाँ पर अभी जो हायरिंग चल रही है वो एक्टिवली यहाँ पर हायर हो रही है। सो गाइज सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करती हूँ। चलिए आपको मेरे स्क्रीन पर उसकी सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ, चलिए शुरू करते हैं फिर। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इसकी जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप ये देख सकते हो। इज माई टीम डॉट की ये वेबसाइट है जो एक्चुअल में इंडिया में काम करती है। जो लोग घूमना चाहते हैं उन लोगों के लिए ट्रैवल अरेंज करना, उन लोगों के लिए जैसे आपका मेक माई ट्रिप है ना उसी तरह से इज माई ट्रिप का यहाँ पर कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सो गाइज यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बहुत सारी जगह पर वैकेंसीज आई हुई है और आप ये देखो ये कॉम्पिटिटिव पे है, इन लोगों का ग्रोथ एंड एक्सपोजर है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट इन लोगों को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ये इन लोगों के सबसे पहले जो जिस क्वालिफिकेशन में फिट बैठता है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली मैं 2 जॉब्स यहाँ पर आज शेयर कर रही हूँ यहाँ इस वेबसाइट के जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। देखो आप जैसे ये कॉर्पोरेट लीगल काउंसिल का जॉब है तो इसके लिए लोकेशन दिया गया है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, है ना। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दिया गया है तो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। बिजनेस डेवलपमेंट होटल्स के लिए दिया गया वो है गोवा। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है और आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो सारे यहाँ पर लोकेशन दिख रहे हैं वो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है और जहाँ पर मैं आप लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम के जो ऑप्शन में दिख रहा हूँ वो है यहाँ पर, ये देखो एयर टिकटिंग एग्जीक्यूटिव। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसका व्यू डिस्क्रिप्शन कर लेती हूँ तो आप देखो यहाँ पर कि वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ PNR क्रिएटिंग इंश्योरेंस री इंश्योरेंस देन चेंजेस कैंसिलेशन रिस्केड्यूलिंग एंड अ गुड नॉलेज ऑफ GDS। ओके, सो ये PNR क्रिएशन इंश्योरेंस ये सारा जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है यहाँ पर। अब ये काम करने के लिए विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द एयरलाइन एंड कस्टमर्स ओवर द फोन एंड ईमेल। ओके, एंड यू आर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन फॉर द कंपनी। देन रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए कि गुड ज्योग्राफिकल नॉलेज चाहिए आप लोगों को, सिटी का, कोर्स का, एयरपोर्ट कोर्स का, एयरलाइन का। देन एक्सपीरियंस चाहिए आपका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टिकटिंग में। देन गुड स्टेबिलिटी बैकग्राउंड, देन गुड इन रिटन एंड वर्बल इंग्लिश स्किल एंड विलिंग टू वर्क इन 24/7, देन एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड मस्ट बी अ GDS गेलियो एंड स्पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो ये इस तरह का है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप लोगों के सामने अप्लाई नाउ का यहाँ पर एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन मुझे दिख रहा है जॉब का दैट इज द फ्लाइट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अगर आप इसको यहाँ पर चेक करोगे तो दिख जाएगा कि इज माई ट्रिप और EMT फॉर शॉर्ट इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप ट्रैवल एजेंसी विद अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दैट इंक्लूड्स अ नॉन कन्वीनियंस फी ऑप्शन एंड अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सपोर्टेड एट अ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। वी आर सीकिंग अ फ्लाइट सपोर्ट टास्क लिस्ट एग्जीक्यूटिव हु हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड अ जील टू गो एक्स्ट्रा माइल्स टू सर्व द कस्टमर। अभी यहाँ पर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल वॉइस प्रोसेस, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी विल बी रिक्वायर्ड, बी एंथुसिएस्टिक एंड हैव अ जील टू परफॉर्म। 24/7 की यहाँ पर बिलिंग शिफ्ट होगी, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, देन प्रोवाइड द बेस्ट इन क्रॉस कस्टमर सर्विस एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन, सपोर्ट कस्टमर अक्रॉस द टेली कम्युनिकेशन, ईमेल, चैट, मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स थ्रू द फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन, क्लियरली कस्टमर क्लेरिफाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, देन प्रोब फॉर अ कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स, देन लिसन अटेंटिवली टू द कस्टमर नीड्स एंड प्रिपेयर अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट वर्क एंड अपडेट अबाउट द कस्टमर फाइल। ओके, अब इसके लिए प्रोफाइल के लिए इसके कैंडिडेट्स का डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो फ्रेशर विथ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये देखो यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पहला वाला था वहाँ पर उन लोगों ने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था लेकिन यहाँ पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, विल वर्क कैंडिडेट्स विल वर्क फ्रेशर फ्रॉम द ट्रैवल डोमेन विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सपीरियंस्ड कस्टमर सपोर्ट कैंडिडेट्स इन ट्रैवल डोमेन एंड रेडी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, नो नाइट शिफ्ट फॉर द फीमेल। ओके, सो इस तरह का ये जॉब प्रोफाइल है। अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पर आ जाता है, उस फॉर्म को आपको भरना है। अभी देखो ये इज माई ट्रिप, इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी।
अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम ये वर्क फ्रॉम होम में है या नहीं, पार्ट टाइम है या नहीं। तो ये देखो यहाँ पर अभी जैसे फॉर्म फिलअप करते ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोगों का फुल नेम भरना है, देन आपका एज, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सिटी एंड व्हाट इज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना वो यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विस के लिए है, टेलीसेल्स के लिए है या कंटेंट डेवलपमेंट के लिए है, तो ये आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। देन लास्ट एंड करंट कंपनी नेम, एंटर यूर लास्ट करंट एम्प्लॉयमेंट कंपनी नेम अगर है तो करना, नहीं है तो नो एक्सपायरी का डाल देना। टोटल एक्सपीरियंस फ्रेशर है तो फ्रेशर, 0 to 2 है तो 0 to 2। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रैवल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर है तो है करना, नहीं तो नहीं करना। करंट सिटी सी, एक्सपेक्टेड सिटी सी, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी यहाँ पर डाल देना। देन विच पोजिशन वुड यू लाइक टू अप्लाई एट इज माई जॉब का, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव पोजिशन के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करना। देन डायरेक्ट इंटरव्यू स्केड्यूल अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब वेन वुड यू लाइक टू गेट यूर इंटरव्यू स्केड्यूल। आपको जितने इमीडिएट चाहिए तो आपका इमीडिएट इंटरव्यू हो जाएगा, विद इन 2 days चाहिए विदिन, मतलब आप अपने हिसाब से टाइम यहाँ पर प्रिपेरेशन के लिए भी आप लोग ये कर सकते हो कि नहीं मुझे 7 दिन का प्रिपरेशन का टाइम चाहिए इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो मैं इमीडिएट यहाँ पर कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली भी आप यहाँ पर कर सकते हो। देन वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इज माई ट्रिप, अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना ताकि आप लोग का यहाँ पर, देखो यहाँ पर लोगों ने रिज्यूम नहीं मांगा है आप लोगों का, राइट, तो मेक श्योर करो कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आंसर बहुत अच्छे से देना ताकि आप लोगों का रिप्लाई जरूर आ जाए। शेयर योर मोटिवेशन एंड व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू द कंपनी, अगर इसका आंसर मैं देती ना तो डेफिनेटली मैं इस तरह से देती। अगर आपको भी चाहिए होगा कि मैंने इसका आंसर किस तरह से लिखती तो मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना ताकि मैं आप लोगों के साथ में वो आंसर भी यहाँ पर शेयर कर सकूं। देन हाउ वुड यू लाइक टू वर्क इन इज माई टॉप टॉप, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम एंड हाइब्रिड मॉडल भी अवेलेबल है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करो कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर काम करना है, ठीक है। हाउ सून यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ इज माई ट्रिप डॉट कॉम, चूज अ पॉसिबल टाइम फ्रेम टू स्टार्ट वर्किंग अलॉन्ग विथ इज माई डॉट कॉम, सो इमीडिएटली कर सकते हो, विद इन 7 days ज्वाइन कर सकते हो, विद इन 15 days ज्वाइन कर सकते हो, आप ये करो और देन यहाँ पर सबमिट करो। देन जैसे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होता है तो आप लोगों को एक ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल पर कन्फर्मेशन तो आ ही जाएगा, और उसके बाद में अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तो वो लोग आप लोगों को यहाँ पर कॉल करेंगे आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया वहाँ पर। यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर लिया ना तो आप लोगों का यहाँ पर एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप लोगों का पूरा मतलब ये इस प्रोफाइल के लिए अगर आप मैच होते हैं तो इन लोगों की तरफ से आप लोगों को एक कॉल आ जाएगा, जो सबसे पहला आपका बेसिक एक राउंड होता है इंटरव्यू का वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में इन लोगों का प्रॉपर HR का एक राउंड होता है जहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए ना उसी टाइप के वहाँ पर क्वेश्चन होंगे आपके बारे में, पर्सनल आपका इंटरव्यू की मतलब पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, देन जैसे आप क्यों ये अटेंड करना चाहते हो इस कंपनी को, आपको क्या क्या इसमें पॉजिटिव नजर आ जाता है, ये सारी चीजें HR की तरफ से यहाँ पर पूछी जाएंगी। उसके बाद में आता है इन लोगों का एक मैनेजर राउंड होता है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों का एक ट्रेनिंग भी ये कंपनी की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, एंड देन आप ऑनबोर्डेड हो जाते हो। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, आप लोगों का सैलरी यहाँ पर मिलता है और सैलरी का रेंज होता है यहाँ पर वो स्टार्टिंग आप लोगों को 25 के आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप भी उनमें से एक हो कि अगर ट्रैवल रिलेटेड अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो अच्छा ही है, नहीं है और आप इस डोमेन में जानना चाहते हो तो जरूर आप यहाँ पर अप्लाई करना। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप ऑपरेशंस में अच्छा काम कर सकते हो, भले आपका दूसरे कंपनी का कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है लेकिन आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इसमें एंट्री लेना चाहते हो, तो ये एक बेसिक ऐसा रूल है यहाँ पर जहाँ पर फ्रेशर भी है जो है यहाँ पर लिए जा रहे, सो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करके देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई विल गेट इन टच विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय।